दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गया ब्यूटीफुल। और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो में लेके आई हूं मैं Amazon ब्यूटी हॉल काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट लेके आई हूं जो कि काफी ट्रेंड में है। क्या आपको प्रोडक्ट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में सोल्यूशन में बताऊंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ये वाली बेल्ट, काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा साड़ी पे भी और जो ड्रेसेस वगैरह है उनको भी काफी ज्यादा यूज की जा रही है। इस तरीके की यहाँ पे इलास्टिक होती है, यहाँ पर इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है, अलग अलग डिजाइन में ही आते हैं। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा था। और इसका जो ये वर्क है ये इस तरीके के पेच से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसके निकलने की भी कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर इनका लॉक दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर लॉक फिट हो जाएगा और आप इसको कमर पर अपनी लगा सकते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट है मेरा। अगर मैं इसको लेने की बात कहूँ तो आप इसको ले सकते हैं, काफी किफायती है और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है और खराब होने के भी इसके कोई चांसेस नहीं है, तो ये आप ले सकते हैं। और सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी ज्यादा ट्रेंड में है। वैसे इसका जो प्राइस लिखा गया है वो सिर्फ 61 है, बट मुझे ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ा है। आप इसको जरूर मंगाइएगा। दूसरा प्रोडक्ट है इस तरीके का मेकअप किट, जिसमें मैंने अपने काफी सारा सामान रख दिया है। ये दो में पैक में आए थे, एक ये था और एक ये वाला था, तो दो आए थे। इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है। मैं इसमें खोल के दिखा देती हूँ। अनबॉक्सिंग इसकी साइड में मैं लगा दूंगी। अनबॉक्सिंग मैंने जब इसकी की थी, जब ये आया था, तो कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा वाला है वो इतने साइज का है। इसके बाद जो सेकंड आएगा वो ये आएगा। इसमें दो हैं, ये मतलब दो सेट है। एक तो बिना ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा ये वाला है, फिर आएगा इसके अंदर तीसरा ये वाला है, फिर चौथा ये वाला है। आप साइज देखते जाइए साथ साथ में, और पांचवा ये वाला है। तो टोटल इसके अंदर पांच है। जो इनकी चैन है काफी ज्यादा अच्छी लगाई गई है। आप इनको सिंगल भी मंगवा सकते हैं और आप इनको जो है उसमें भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास मेकअप का काफी सारा सामान हो रहा है, साथ में इसमें बैंगल्स रखने के काम आ जाएंगे, जो छोटे कपड़े होते हैं वो इसके रखने के काम आ जाएंगे। तो मैंने ये दो ही मंगा लिए क्योंकि दो ये ऑफर में मिल रहे थे, तो दो ही मैंने मंगवा लिए और मेरे काफी ज्यादा यूज आने वाले हैं। इस वाले की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की मुझे लगी, लेकिन इस वाले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी मुझे लगी और काफी अच्छी जो इसकी ये है ना, काफी ज्यादा अच्छी है और डिजाइन भी इसका काफी क्यूट सा है। फिर आता है, काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइप के मसाजर, जो कि फेस मसाजर हैं। आप देख सकते हैं ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका यूज जो कर रही हूँ वो ऑयलिंग करने के बाद में, जैसे स्क्रब वगैरह करते हैं उसके बाद में जब आप मॉइस्चराइज करते हैं तो आप इसको जब यूज कर सकते हैं। आप इसको फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। काफी इस चीजों में ये यूज होता है, इंक्लूडिंग पार्लर वगैरह में भी जब आप जाते हैं तो मसाजर का यूज आपके फेस पे किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। पहले तो पैकिंग की बात करूं मैं, काफी प्यारी पैकिंग में ये मुझे मिला था, इस तरीके की छोटू सी पैकिंग में ये मुझे मिला था। और इसके अंदर दो चीजें हैं, पहला तो ये है और दूसरा है इसका चार्जर। चार्जर का जो डाटा केबल है वो है चार्जिंग वाला है, ये बैटरी वाला नहीं है, तो काफी ज्यादा आपका ये चल जाता है, आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर इसका ये यहाँ पर दिया गया है, इसको हटाइएगा ये चार्जिंग का हो जाएगा और यहाँ पर आपको लगा के चार्ज करना है। जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो ये वाली लाइट जो है यहाँ पर बिल्कुल लाइट ऑन हो जाएगी। बात करें इसके ऑन ऑफ की, तो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ दिया गया है, ये प्लस और माइनस दिया गया है, और बीच वाला जो बटन है आप इसको देखिए, आप इस तरीके से वाइब्रेट होगा, इस तरीके से वाइब्रेट होगा ये जब आप इसको वाइब्रेशन पे मतलब यूज करते हैं, और इस तरीके से अपर साइड में आपको करते हुए इसको यूज करना है। जब आप फेस वॉश कर रहे हैं तो उस टाइम आप इसको यूज कीजिएगा, काफी अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, डस्ट है जो वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती है। सबसे ज्यादा इसका फायदा यह है कि इसको यूज करने के बाद आपको रिलैक्स फील होगा बहुत ज्यादा, और इसको यूज करते रहेंगे तो आपकी जो चेहरे पे एजिंग वगैरह दिखने लगती है ना वो नहीं दिखती, क्योंकि आप जब इसको ऊपर की साइड करते हैं तो झुर्रियां वगैरह जो चेहरे पे आते हैं ना वो आपके चांसेस कम होते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसका ये जो बाहर का ब्रश है सिलिकॉन का है। और प्राइस की अगर इसके बात करूं मैं तो प्राइस है इसका, मुझे जो पड़ा है ये 350 के करीब का पड़ा है।
और इसमें सब कुछ इसको यूज करने का दिया गया है, आपको 3 मिनट तक इसको यूज करना है और हाइजीन रखना है, यानी कि यूज करने के बाद इसको धो देना है। वाटर प्रूफ है ये, धुलने में कुछ भी आपको नहीं आएगा, इसमें करंट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको भी मैं रिकमेंड करूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि जिनको हाथ से करने में ज्यादा मजा आता है ना, तो उनको एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये आपके फेशियल वगैरह आप जब करते हैं ना, तो आपको फिर ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे अपना फेशियल वगैरह भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है ये कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में चल रहा है कुछ भी, पर मुझे सिंदूर मंगाना था। लिक्विड सिंदूर के साथ में मैं दूसरा सिंदूर यूज करती हूँ, इसके नीचे ये लगा के ऊपर आप दूसरा सिंदूर लगाएंगे तो वो हटता नहीं है। तो ये मैंने पहले मंगवाया था, मैरून कलर का आ गया था, इस बार मैंने कलर बार का मंगवाया है, ये वाला रेड कलर का। और ये जब तक आप अपना सिर नहीं धुलेंगे ना, हटता नहीं है, ये जानता नहीं है। और ये प्योर रेड कलर है, काफी प्यारा है। इसका जो प्राइस है वो है 145 और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो लगभग 3 से 4 साल है। 2021 में बनाया हुआ है, 2024 में एक्सपायर होगा। खोल के दिखा देती हूँ मैं। काफी अच्छी पैकिंग में था ये भी, बाहर से इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ बॉक्स वगैरह था। और यहाँ पर प्योर रेड कलर है ये, इतना बड़ा ही आएगा, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। अगर आप लिक्विड सिंदूर यूज करते हैं तो आप इसको मंगवाइएगा, जो रेड कलर के सिंदूर चाहते हैं वो इसको मंगवाइएगा। और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चुकी हूँ कि मैं निविया का बैटिंग स्मूथ स्किन यूज करती हूँ काफी ज्यादा, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और उसे लगाने के बाद रिफ्रेश सा फील होता है। तो ये वाला मैंने फिर से मंगवा लिया, क्योंकि पहले वाला मेरा खत्म होने वाला था, और ये है 199 का ही, लगभग 150 के करीब का मुझे पड़ा है। तो जिनको डीओ वगैरह ज्यादा यूज नहीं करना होता, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है, या फिर जिसलिए मैं यूज करती हूँ, आप उसलिए भी कर सकते हैं कि इसको लगाने के बाद ठंडक रहती है, रिफ्रेश रहता है। और आप डीओ लगाएं या ना लगाएं, आपको मतलब जो है आप नहाने के बाद में इसको अप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपका ये। फिर आती है ये लिप स्क्रब। सच मानिए, मैं पहली बार कोई स्क्रब यूज किया है लिप पर, और मुझे नहीं पता था, सच में ये भी नहीं पता था कि लिप स्क्रब होते कैसे है देखने में। 150 का है ये, और गुड वाइब्स का है ये, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। मैंने जब ये पैकिंग खोली तो कुछ इस तरीके का था, और यहाँ पर इस तरीके का ये दिखाई दे रहा था। मैंने इसको लगभग 3-4 बार यूज कर चुकी हूँ, मैं जब से ये आया है मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे होंठ काफी ज्यादा फटते हैं, तो मैं इसको यूज करने के बाद में जो है मॉइस्चराइज कर लेती हूँ अपने लिप्स को। ये काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। अगर आपके भी होंठ बहुत ज्यादा फटते हैं या फिर सूखे सूखे से रहते हैं ना, तो आप इसको यूज करें, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आपके गुलाबी होंठ हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अच्छा फील होता है जब यार स्किन पे स्क्रब करते हैं, सब कुछ कितनी देखभाल करते हैं, तो फिर लिप्स पे क्यों ना किया जाए, लिप्स पे भी होना चाहिए। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने ये ट्राई किया है, काफी ज्यादा मुझे तो अच्छा लगा। लिप स्क्रब अगर कोई कहे मुझे मंगवाने के लिए कि मैं रिकमेंड करूंगी, तो हाँ आपको लिप स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए। नेचुरल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, पर इतने टेंशन क्यों पाली है, अपना आराम से लो। एक मैंने मंगवाया है ये वाला पैकिंग, छोटू सा है, और आपको तो पता ही होगा आजकल इस टाइप की पैकिंग में काफी ज्यादा लिपस्टिक वगैरह बहुत आ रही है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो मैं इसको बता दूं, ये रेड एडिशन मैंने मंगवाया था, यानी कि इसकी जितनी भी शेड है, 4 शेड है इसमें, 4 रेड की ही शेड है। सबसे पहला है तो ये मेहरून शेड है, आप देख सकते हैं, और ये वाला मेहरून शेड है। दूसरा है ये प्योर रेड है, और ये भी काफी प्यारा शेड है, ऐसा ये चमक धमक वाले शेड नहीं है, ये सिंपल सोवर भी नहीं मैं कहूंगी, लेकिन पार्टी वियर है, और जिनको डार्क कलर लगाने का शौक है वो इसको जरूर परचेज कीजिएगा। ये है ऑरेंज, और ये है मर्जेंटा कलर, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। अगर बात करें स्टे करने की, तो ये आपके 6 से 12 घंटे तक रहता है, ये आप कुछ भी खाएंगे पियेंगे कहीं भी नहीं लगता। इसको लगाने से पहले आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए अपनी लिप्स पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये ना थोड़ा सूखा सूखा सा लगने लगता है, तो मैं इसलिए पहले ही बता दूं कि आप इसको पहले मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी तो काफी अच्छी है, मतलब अप्लाई करने के बाद में काफी ज्यादा मतलब सही लग रहा है। खोल के दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको इसकी पैकिंग,
और इस तरीके से ये छोटू सी पैकिंग है, इस तरीके से छोटा सा आएगा। मैं आपको एक बार बताऊं, अगर आपको कभी लिपस्टिक खरीदनी हो ना लिक्विड लिपस्टिक, तो हमेशा ऐसे छोटे ही वाले खरीदिए, उसके कई फायदे होते हैं। पहले तो ये कि वो सूखती जल्दी नहीं है, दूसरी ये कि अप्लाई करने में काफी ज्यादा इजी होती है। फिर है मेरा फेवरेट वीट की ये वाली वैक्स स्ट्रिप, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मैं सच बताऊं, मैं अपर लिप्स के लिए और चिन के लिए हमेशा ये ही यूज करती हूँ और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और पिछले लॉकडाउन में मैंने घर पे ही थ्रेडिंग वगैरह सब की थी, तो इसी का यूज मैंने बहुत ज्यादा किया था। और इस बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने पहले ही मंगवा लिया है, तो ये आप कर सकते हैं। और वैक्स स्ट्रिप है, ये है 20 इसके अंदर, और यूज करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर जिसने इसको नहीं देखा, मैं अंदर से दिखा देती हूँ। इस तरीके की पैकिंग में आएगा ये, आप खोलेंगे यहाँ पर, ये इसके यूज करने का आपको कार्ड मिलता है, साथ में मिलता है ये वाला, आपको फिनिशिंग वाइप्स मिलती है, और ये मिलते हैं यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रिप, कुछ इसमें जो है चिपकी रहती है, आपको ये उतार के यूज करनी है। मिट्टी अगर आपको फेस, ये मैंने पहले भी यूज कर चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है। ये मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। इसके साथ में मैंने ये वाली भी मंगवाई है, आप देख सकते हैं ये वाली मंगवाई है, ये दो पैक है, ऐसे ऐसे एक एक किलो के दो पैक है, ये भी मंगवाए हैं क्योंकि मुझे काफी सारी वीडियोस बनानी थी और काफी सारे मुझे जो है इसकी बताना था DIY के लिए, तो मैंने ये भी मंगवाए हैं, ये भी मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे लोग बहुत कहते हैं कि ओरिजिनल, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको मैं अप्लाई करके देखूंगी कि ये कैसी है। अगर बात करें इसकी तो ओरिगन्स की है, पहले मैं यूज कर चुकी हूँ, काफी अच्छी है, बहुत सारी चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है ये वाला मेरा जो है बायो ऑर्गेनिक का कोकोनट ऑयल, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है और ये काफी ज्यादा अच्छा है अप्लाई करने में भी। और मैं इसको लिप्स पे यूज करती हूँ, हेयर्स पे यूज करती हूँ, और आप इसको रात को अप्लाई करके भी सो सकते हैं, जिनको पता होगा। जिनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि कोकोनट ऑयल आपके फेस के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपको जरूर यूज करना चाहिए। और लास्ट में मैंने कितने सारे सामान मंगाए, लास्ट में मैंने मंगाई है ये फेस वाइप, काफी ज्यादा यूज कर चुकी थी मैं और वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए, तो मैंने ये वाले इस तरीके के जो है नैपकिन्स मंगाए हैं, और ये मैं रखने वाली हूँ, एक अपने पास रखूंगी और दो ये गाड़ी में जाएंगे, तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, ये भी आपको सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।